नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, सबका टॉपिक एक है, मोदी और मुसलमान। मोदी विरोधी पिछले 24 घंटे में कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, इन सब मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी का पूरा ज्ञान लेकर आए हैं। घरेलू राजनीति का ये हाल है। मोदी को घेरने के लिए मुस्लिम मुल्कों में क्या कहा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, ये हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। आज दिन भर आपने जो अपने मोबाइल में पढ़ा, जो अलग अलग तरह के हैशटैग ट्रेंड चले, उसमें किसी ने आपको पूरी बात नहीं बताई। केवल कुछ शब्दों को ट्रेंड करवाया गया। कोई नुपुर को ट्रेंड करा रहा था, कोई बीजेपी को। इन दो चार शब्दों को ट्रेंड कराने की हकीकत क्या है, वो आज हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने खेल रचा। हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट खोलने की साजिश रची। बड़ा दांव खेला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बीजेपी रुकन के गुस्ताखाना बयान की शदीद मुजम्मत की है। कहते हैं, मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं। ट्विटर बयान में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस ले, क्यादत में भारत मजहबी आजादियों को पामाल कर रहा है, भारत में मुसलमानों पर शदीद जुल्म सितम जारी है। पाकिस्तानी सेना ने बड़ी प्लानिंग के साथ चक्रव्यूह रचा, टारगेट पर मोदी को रखा। मकसद हिंदुस्तान की ताकत को कमजोर करना था। इसके लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को खास निर्देश भी दिए गए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। वक्त आ चुका है कि दुनिया हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया से मुतासर हिंदुत्वा को रोके। जब बात हिंदुस्तान को कमजोर करने की आती है तो पाकिस्तान का हर एक सियासी लीडर एक मंच पर आ जाता है। विदेश में जो काम बिलावल भुट्टो को सौंपा गया, वो काम पाकिस्तान में इमरान खान कर रहे थे। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इश्तेआल अंगेजी, नफरत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों पर हमले करवाए जा रहे हैं। नबी की शान में गुस्ताखी मुसलमानों के लिए सबसे तकलीफ दे अमल है। OIC मोदी के भारत के खिलाफ सख्त एक्शन ले। साथ ही उन्होंने लिखा कि अफसोस, इस्लामोफोबिया पॉलिसियों पर भारत को कुछ नहीं कहा जाता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की बात कहते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुत्व का जिक्र करते हैं, तो इमरान खान OIC से भारत के खिलाफ एक्शन लेने की अपील करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी थी, बेहद खास जंग, जिसमें ना गोली चलती है, ना धमाके होते हैं, ना खून बहता है, लेकिन हारने वाला मुल्क बेहद कमजोर पड़ जाता है। इस वॉर के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। ये जंग भारत और पाकिस्तान के टॉप अफसर, दोनों देशों की सरकार, विदेश मंत्रालय लड़ रहे थे। पाकिस्तान का प्लान था इस्लामोफोबिया को मुद्दा बनाकर सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ईरान, हरीम के संबंध भारत से खराब करवाना। पाकिस्तान ने बहुत सोच समझकर चाल चली। उसको उम्मीद थी जब मजहब को ढाल बनाकर हिंदुस्तान पर हमला किया जाएगा तो मोदी और मुस्लिम मुल्कों की दोस्ती जरूर टूट जाएगी। पाकिस्तान ने बकायदा सोशल मीडिया में बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट भी चलाया, ट्रेंड करवाया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दर्द है, हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 हटा दिया। इस्लामिक मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने इस्लामिक मुल्कों से भारत के खिलाफ मदद मांगी लेकिन नहीं मिली। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल डाला है। मोदी ने 3 बार UAE का दौरा किया, 2 बार सऊदी अरब गए, 1 बार कतर, 1 बार ओमान और 1 बार बहरीन दौरे पर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने गल्फ देशों से दोस्ती मजबूत की, उनके साथ अहम समझौते किए, कारोबार बढ़ाया। नतीजा, जिनके दम पर पाकिस्तान उछलता था, उन्हीं ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया। जब हिंदुस्तान के मित्र देशों को कोई बात बुरी लगी, उनको दुख हुआ, उन्होंने भारत सरकार से अपनी बात कही, तो अपने मित्र देशों का पूरा ख्याल भी रखा गया।
और यहीं से पाकिस्तान की हार शुरू हुई। इंडिया जो है उसने कितना टफ रिस्पांस दिया है पाकिस्तान को और ओआईसी को, जबकि कतर, कुवैत और जो सऊदी अरेबिया के रिलेटेड उन्होंने प्रेस रिलीज उनके फॉरेन ऑफिस ने जारी की है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। इंडिया ने अपनी पूरी कैलकुलेशन की कि किस मुल्क को कितना रिस्पॉन्स देना है। उनको पता है पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है, ओआईसी को पहले ही वो बड़ा टफ स्टेटमेंट देते हैं जब भी वो कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वैसे रखी। अब क्योंकि कतर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, बहुत सारे रेमिटेंस आती है, बहुत सारे कारोबार हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की रिलेशनशिप है, तो ये जो उन्होंने कतर में जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान का एजेंडा बुरी तरह से फेल हुआ और उससे बुरा पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हो गया। एक कुवैत के लिए जारी इंडिया की प्रेस रिलीज है, ये कतर को भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब है और ये पाकिस्तान ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को हिंदुस्तानी आईना है जिसने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से लेकर जनरल बाजवा की आंखों से आंसू जरूर निकाल दिए होंगे। कुवैत की नाराजगी पर विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया उसके आखिरी दो पैराग्राफ देखिए, लिखा है, निज स्वार्थ जो भारत कुवैत संबंधों के खिलाफ है, इन अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग करके लोगों को उकसाते रहे हैं। हमें ऐसे तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए जिनका लक्ष्य हमारे द्विपक्षीय संबंधों की ताकत को कम करना है। अब जरा देखिए, बिल्कुल यही लाइन कतर को बताई गई है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बड़ी खासियत है, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज दिया जाता है, समझने वाले समझ जाते हैं और जो समझ के बिना समझे वो पाकिस्तान है। एक तरफ कुवैत, कतर से कहा गया हमारी दोस्ती को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, वहीं पाकिस्तान और ओआईसी को उसकी हैसियत दिखा दी गई। ये पाकिस्तानी साजिश को हिंदुस्तान का जवाब है जिसका सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन करने वाले एक देश का किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर टिप्पणी करना किसी के गले नहीं उतर रहा। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, अहमदिया समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सुनियोजित उत्पीड़न की गवाह रही है। पाकिस्तान अपना कश्मीर एजेंडा ओआईसी के बलबूते चलाता है, वो कश्मीर के लिए मजहब का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार ओआईसी है। भारत में एक बार फिर ओआईसी ने दखल देने की कोशिश की और एक बार फिर ओआईसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन प्रमुख की ओर से भारत को लेकर दिए बयान देखे, भारत सरकार ओआईसी प्रमुख के गैर जरूरी और संकुचित मानसिकता वाले बयान को पूरी तरह खारिज करती है। जब भारत के मुस्लिम मित्र देशों ने नाराजगी जताई और उनके रिएक्शन पर भारत में एक्शन लिया गया तो कुछ लोग भारत में ये नैरेटिव सेट करने लगे, गल्फ देशों के सामने भारत झुक गया। अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हिंदुस्तान के खिलाफ तेल का खेल शुरू हो जाता, तो कुछ बातों को क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत सबसे ज्यादा तेल का निर्यात इराक से करता है, इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर नाइजीरिया है, चौथे सऊदी अरब, पांचवें यूएई, टॉप लिस्ट में कतर, कुवैत का नाम तक नहीं है। इसलिए कहना फैसला दबाव में लिया गया यह गलत है, फैसला सोच समझ कर लिया गया है। जितने भारत के रिश्ते मुस्लिम मित्र देशों से कमजोर होंगे उतना पाकिस्तान सफल होगा। यूएई एक इस्लामिक मुल्क है और इसी मुल्क के अबू धाबी में तैयार होता यह पहला हिंदू मंदिर है। जब साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर गए थे तब इस मंदिर के निर्माण का ऐलान किया गया था।
मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान के लिए इस्लामिक देशों की नजर और नजरिया दोनों बदल गए, जिसका असर दिखाई भी दिया। 2016 में सऊदी अरब के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। इसी साल मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमनुल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया। 2019 में यूएई ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। 2019 में बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसा अवार्ड दिया। इस दौरान इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और चले भी गए, लेकिन उनको भीख के आगे कुछ नहीं मिला। यही हाल पाकिस्तान के मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ का है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके आया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अरसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। कतर की राजधानी दोहा की तस्वीरें हैं, जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दौरे पर हैं। पाकिस्तान और कुछ लोगों ने यह खबर फैलाई कि कतर में भारतीय उपराष्ट्रपति का स्वागत नहीं किया गया। ऐसी हर खबर गलत है। देश के बाहर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई। जीत पूरे हिंदुस्तान की हुई, लेकिन देश के अंदर अलग ही एजेंडा चल रहा है। जब दुनिया को दिखाना है हम एक हैं, तो राहुल गांधी अलग ही लाइन पर चल पड़े। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, राहुल गांधी ने तीन लाइन में अपनी बात खत्म की, मगर रणदीप सुरजेवाला ने बैक टू बैक 10 ट्वीट किए। पूरा ट्विटर पेज मोदी मुस्लिम वर्ल्ड कमजोर फॉरेन पॉलिसी पर भर डाला। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार को विदेश नीति का पूरा ज्ञान दे डाला। क्या कर रहे हैं, कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत का डिमार्स दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं, ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की, कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? आप ये ओवैसी अच्छा बोलते हैं, उनके तर्क और तथ्य सुनने में अच्छे लगते हैं, ओवैसी बातें घुमाने में भी बड़े माहिर हैं, किस लाइन को कहां पर कैसे जोड़ना है बखूबी आता है, लेकिन कई बार इस चक्कर में गड़बड़ भी हो जाती है। क्या ये बात सच नहीं है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो भारत को ऑयल बेचता है $2 से उस ऑयल को बढ़ाकर $6 कर दिया? और बोलिए ज्ञान वापी, और बोलिए गालियां दीजिए मुसलमानों को, इस्लाम को। अब ये $2 से $6 कर दिया है, और प्रधानमंत्री बताना पड़ेगा देश को, अमेरिका को रेट नहीं बढ़ा, सऊदी अरेबिया ने ऑयल बेच वही रेट पे बेच रहे हैं, भारत को $2 से $6 कर दिए। प्रधानमंत्री कौन सी फॉरेन पॉलिसी आपकी? ओवैसी ने दावा किया ज्ञानवापी और एंटी इस्लाम विवाद की वजह से सऊदी ने भारत के लिए पेट्रोल महंगा कर दिया। ओवैसी का यह दावा सरासर गलत है। सऊदी अरब ने भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए तेल के दाम बढ़ाए हैं।
इसमें चीन जापान जैसे देश भी शामिल हैं। सऊदी तेल के रेट बढ़ाने की तैयारी फरवरी से कर रहा था, इसका ज्ञानवापी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ओवैसी ये सच ही बताएंगे कि इंडिया रूस से तेल की डील डबल करने की बातचीत कर रहा है, जिससे भारत में तेल और भी सस्ता हो सकता है। कानपुर में दंगाइयों के पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर लगाने के बाद चार दंगाइयों की पहचान हुई, जिनमें से दो गिरफ्तार भी हो गए हैं। अब तक 40 दंगाई अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस को दंगे के 200 वीडियो मिल चुके हैं। 16,000 व्हाट्सएप चैट का पता चल चुका है। लेकिन ये दंगा 40 लोगों ने नहीं किया, वहां 100 लोग नहीं थे, बल्कि कहा जा रहा है कि कानपुर दंगे के समय हजारों लोग पत्थर और पेट्रोल बम चला रहे थे। एक छोटा सा इलाका जहां चारों ओर मस्जिद है, जहां 90% एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, वहां दंगा हुआ तो 3 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ। FIR में जो लिखा है, गिरफ्तार दंगाइयों से पूछताछ में जो पता चला है और सोशल मीडिया चैट में जो मिला है, सबको पढ़ने के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है। दंगाई एक नहीं थे, हजारों थे, हजारों थे, हजारों। कानपुर दंगे की इस FIR को बहुत गौर से देखिए। FIR नंबर 0043 के पेज नंबर 4 पे साफ साफ लिखा है, हजारों की भीड़ बम पत्थर लाठी और डंडों से लैस होकर आई। ये दंगाई क्या कर रहे थे? टीवी पर दंगे के कई वीडियो आपने देखे होंगे, कई वीडियो आपके मोबाइल पर भी आए होंगे। अब धीरे धीरे दंगे के एक एक डिटेल सामने आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर और नाराए तकबीर करते हुए ये दंगाई दो ही बातें बोल रहे थे, सभी हिंदुओं को मार डालो और मुस्लिम इलाके में हिंदू कैसे बचे रह सकते हैं। ये लाइनें FIR में लिखी हैं। दंगे के दौरान ऐसी बातें होती हैं, ऐसा सिर्फ सुना जाता था। कानपुर में ये सब रियल में हो रहा है। सिर्फ हिंदुओं को मार डालो, मुस्लिम इलाके में हिंदू कैसे बचे रह सकते हैं, ये साधारण बातें नहीं है। तीन ओर से मुस्लिम मोहल्ले से घिरे हिंदू मोहल्ले में ये रियल फ्रंट है, जिसे 3 जून को बेकनगंज के सैकड़ों हिंदू परिवारों ने फील किया। ये सब कौन कर रहा था? हजारों की भीड़ को कौन लेकर आया था? 40 दंगाइयों के चेहरे सामने आ गए हैं। इनके एक हाथ में मोबाइल फोन दिख रहा है और दूसरे हाथ में पत्थर। दंगाई चेहरों पर रूमाल बांधकर और मास्क को नकाब बनाकर आए, पत्थर बरसाए, बम फोड़े और कानपुर की गलियों में गायब हो गए। लेकिन तीसरी आंख में उनके चेहरे कैद हो गए। ये कर क्या रहे थे? इसे समझाने के लिए कानपुर के FIR को फिर से पढ़ते हैं। दंगाइयों ने बमों और पत्थरों से हमला किया। वो चंदेश्वर हाता को समाप्त करने पर उतारू थे। उग्र भीड़ नरसंहार करने पर तुली थी। FIR में लिखा है कि दंगाई सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार कर देना चाहते थे। चंदेश्वर हाता में रहने वाले हिंदुओं के सिर फट गए, महिलाएं और बच्चे भी घायल हो गए। ऊपर छतों से भी हमला किया गया, हाते को खत्म करने की कोशिश की गई और ये सब जुमे की नमाज के बाद हुआ। कानपुर के वेंकटेश्वर हॉल में 3 जून को जो हुआ, इंडिया टीवी के दो रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। हम चश्मदीदों की बात सुनाएंगे, पुलिस क्या कह रही है वो भी बताएंगे। उससे पहले दंगाइयों का ये पोस्टर देख लीजिए। गौर से देखेंगे तो कम से कम 10 दंगाइयों ने चेहरे पर रुमाल बांध रखा है, या तो गमछा लपेट रखा है, या मास्क को नकाब की तरह यूज कर लिया है।
फोन पर डायरेक्शन लेकर दंगा करने वाले इन दंगाइयों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज से निकाले गए हैं। पुलिस अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा रही है। कौन है ये दंगाई, पुलिस को अभी तक इनके बारे में नहीं मालूम। ये कहां से आए और कहां चले गए, कई सवालों के जवाब पुलिस को नहीं मालूम। लेकिन इतना मालूम है कि ये नरसंहार के इरादे से आए थे और इनका फर्स्ट टारगेट था हिंदुओं का मोहल्ला चंदेश्वर हाथ। चंदेश्वर हाथा कानपुर के परेड रोड का वही मोहल्ला है जहां जुमे की नमाज के बाद सबसे पहले माहौल बिगड़ा था। सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक शख्स ने रुमाल हिलाकर इशारा किया तो हजारों की भीड़ सबसे पहले यहीं उग्र हुई थी। इस वक्त हम परेड रोड पर हैं और जब जुमे के दिन यहां कानपुर में हिंसा हुई तो सबसे ज्यादा पथराव इसी परेड रोड पर हुआ और इसी परेड रोड पर ये चंदेश्वर हाथा है। इसी चंदेश्वर हाथे पर पथराव की तस्वीरें आई थी और यहीं पर फोकस करके पथराव किया गया। एक वीडियो भी सामने आया जो एक शख्स यहां खड़े होकर रुमाल हिला रहा था, जैसे ही रुमाल हिलाया गया तो यहां पथराव शुरू हो गया। इसके लिए भीड़ उधर से चली आ रही थी, वो भीड़ एक रेहड़ी पर पत्थर रख कर आ रही थी और पत्थर बरसाते हुए यहां आए। ये कूलर की दुकान है, इस पर पत्थर बरसते हुए भी एक वीडियो सामने आया था और एक FIR, जो 3 FIR दर्ज हुई उनमें से एक FIR चंदेश्वर हाथे में रहने वाले मुकेश के नाम से दर्ज हुई। उसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कान खड़े करती हैं। ये भाई साहब भी यहीं चंदेश्वर हाथे के हैं। सर, आपका नाम क्या है और उस वक्त क्या माहौल था? मेरा नाम चेतन है और उस वक्त का माहौल तो काफी डरावना था, क्योंकि जिस समय रुमाल हिलाकर उसने भीड़ को बुलाया था तो हम लोग तो पूरा सरेंडर कर गए थे। हम लोगों को तो लगा कि जिस तरह से भीड़ ने हाथे के ऊपर आक्रमण कराया और घुसी है हाथे के अंदर, तो हाथा अब नहीं बचने वाला है। भीड़ एक्चुअल में जब आई थी अंदर तो वो बहुत खतरनाक नारे लगा रही थी, जो बोल रही थी अल्लाह अकबर और काफिरों को काट डालेंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे, मतलब इस तरीके की बहुत खराब खराब नारेबाजी। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो काफी लंबी बिल्डिंग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चंदेश्वर हाथे पर ही क्यों फोकस था? इसी बिल्डिंग पर विशेष तौर पर पथराव होते हुए दिखाई दिया। दरअसल फोकस चंदेश्वर हाथे को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल प्राइम लोकेशन है चंदेश्वर हाथा। यहाँ की आसपास में पूरी आबादी लगभग मोमडन हो चुकी है, पूरी आबादी पर मोमडनों का कब्जा है। अब ये छोटा सा हाथा बचा हुआ है, इसके जस्ट पीछे पेजबाग लगता है, वहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, बड़े बड़े मतलब थोक के कपड़े के बाजार हो गए हैं। अगर ये हाथा किसी तरह से इनको मिल जाता है तो वो मार्केट पूरी रोड पर आ जाएगी, यानी कि ये कई हजार करोड़ रुपए में बिकना चाहिए। इतना कीमती हाथा हो चुका है ये कि अब उनको लगता है कि नहीं, ये अगर मुझे मिल जाए तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे और रोड पर आने पर ये एक अच्छी मार्केट मिलेगी और हम लोग पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे और इनका पलायन या ये तो पूरा समाप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसीलिए चारों तरफ से पथराव हुआ किसी तरह से इनके अंदर भय व्याप्त कर दें, और अगर भय व्याप्त हो जाएगा तो ये अपने आप ही छोड़ छोड़ के बेच बेच के भागना शुरू कर देंगे। दंगे की तैयारी 1-2 घंटे या 1-2 दिन की नहीं थी, तैयारी बहुत पहले से थी, क्योंकि भीड़ यहां खाली हाथ नहीं आई थी। वो अपने साथ दंगे का हथियार लाद कर लाई थी। इस वीडियो में भी साफ दिखता है कि दंगाई एक ठेले से पत्थर उठाते हैं और दनादन चलाते हैं। बोतल में पेट्रोल खरीदते हुए भी एक दंगाई की फोटो आई है। नई सड़क पर हुए दंगे में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दंगाई कानपुर के डिप्टी पड़ाव इलाके के पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीद रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एक्शन हुआ और पंप सील कर दिया गया। इस पेट्रोल पंप पर साफ साफ लिख दिया गया है कि जो यहां का नोजल खोलेगा वो सीधा जेल जाएगा। ये ऑर्डर पुलिस को सीधे DM से मिला है। उस क्षेत्र में जो आसपास में उससे लगे हुए सटे हुए एरियाज में ऐसे पेट्रोल पंप्स हम लोगों ने स्क्रीन कराए थे जहां पर खुले में पेट्रोल बिक्री की सूचना हो,
तो स्क्रीनिंग में हमें कुछ फुटेजेस जो उपलब्ध हुए हैं उसको हमने हमारे जो टीम है उसके माध्यम से DSO की टीम के माध्यम से अवलोकित कराया एंड देन वी गेव द एंटायर फुटेज उसको रिट्रीव करके DVR जो है वो पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट बनेगा, उसमें कोई अनियमितता नजर आती है, कोई संलिप्तता नजर आती है तो पुलिस विल टेक अ लीगल प्रोसीडिंग। कानपुर पुलिस की फॉरेंसिक टीम एक एक सबूत जुटा रही है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का IT डिपार्टमेंट सोशल मीडिया और मैनेजिंग प्लेटफॉर्म्स को बारीकी से ट्रैक कर रहा है। अब तक जो जानकारियां मिली हैं, उसके मुताबिक दंगाई भीड़ को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डायरेक्शन दिया जा रहा था। दंगा कराने से पहले 16,000 मैसेज भेजे गए। कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल फोन से कानपुर बंद को लेकर चैटिंग के डिटेल मिले हैं। हाशमी अपने मोबाइल से 141 व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप पर मार्केट बंद कराने के फोटो शेयर हो रहे थे। इस बीच कानपुर दंगा केस में चौथी FIR दर्ज की गई है। इसमें 15 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस को इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भड़काने वाली चीजें मिली हैं, जिनका दंगे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कनेक्शन हो सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर से फैलाया गया दंगा जंगल में आग की तरह भड़का। चंदेश्वर हाता पर एक तरफ से नहीं बल्कि दो तरफ से हमला हुआ। परेड रोड से जिस वक्त पत्थर चलने शुरू हुए उसी वक्त आसपास के मुस्लिम मोहल्लों के छतों से पथराव होने लगा। FIR के पेज नंबर 5 पर भी यही लिखा है कि चंदेश्वर हाता में ऊपर छतों से बम से हमला किया गया जिससे वहां रहने वाले हिंदुओं के सिर फट गए, महिलाएं और बच्चे भी घायल हो गए। कमलेश्वर हाता चंदेश्वर हाता का ही एक पार्ट है। इंडिया TV रिपोर्टर विशाल प्रताप ने हिंदुओं के उसी मोहल्ले में अंदर जाकर लोगों से बात की। 3 जून को जुमे की नमाज के बाद क्या हुआ इसे तो कोई भी पीड़ित बता सकता है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय हाते में, कमलेश्वर हाते में खड़े हैं और जो ठीक पीछे आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग दिख रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस दिन हिंसा हुई कानपुर में इन ऊंची बिल्डिंगों से बड़े बड़े पत्थर इसी हाते में फेंके गए थे, लोगों को टारगेट किया गया था, लोगों को निशाना बनाया गया था और कई लोगों को इसमें गंभीर चोट भी आई थी। हम इस समय कमलेश्वर हाते के अंदर ही मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये ऊंची बिल्डिंग है इस पूरे इलाके के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। लड़के औरतें सब खड़ी होके हम लोगों को थप्पड़ दिखाती, ईंटा दिखाती और कहती हम तुमको बताएंगे, तो हम लोग को बोलते नहीं कि क्या इनसे मतलब आवाज तो जाएंगी इतनी, तो चिल्लाएंगे नहीं। और हड्डी मछली मांस जो खाते वो नीचे फेंकते, छोटे छोटे बच्चे हमारे खेलते हैं और ये लोग जहाँ मर्जी, अगर रात में भी ये 4 बजे रात तक ये लोग ये मतलब फैलाते हैं। जिस दिन हिंसा हुई उस दिन भी ऊपर से पत्थर चल रहे थे, बड़े बड़े गुम्मे चल रहे थे। हाँ उस दिन भी पत्थर ईंटा गुम्मा सब चलाए रहे थे लोग, हम लोग अंदर हो जाते तो ये बाहर निकलते, वैसे जो वीडियो बनाने लगते, ये लोग करते हरकते। सही, बड़ी ऊंची बिल्डिंग से पत्थर चल रहे। अरे भैया पत्थर तो आपको दिखाया था परसों, और यहाँ से पत्थर फेंकते हैं, वीडियो बनाते हैं, जूता चप्पल दिखाते हैं, वो औजार दिखाते हैं, ऐसे क्या करके और इधर से वीडियो बनाते हैं। समझ किनकी बिल्डिंग है ये सब? अब पता नहीं किसकी है, हाय मुसलमानों की है। कब से बनी हुई है ये बिल्डिंग? अरे अभी ये महीने भर में तैयार कर दी है, लंबी चौड़ी हमारी, लंबी चौड़ी 1 महीना के अंदर तैयार हो गई है। 1 महीने में तैयार हो गई? 1 महीने में। कितने दिन पहले तैयार हुई बिल्डिंग? अरे अभी अप्रैल में तैयार हुई है। जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि 1 महीने के अंदर ऐसी ऊंची इमारतों को बना दिया गया और जब जून में यहाँ पर कानपुर में दंगा हुआ तो इन्हीं ऊंची इमारतों से, बिल्डिंगों से लोगों को निशाना बनाया गया और पत्थरबाजी की गई। परेड रोड पर, नई सड़क पर, चंदेश्वर हाता के अंदर, यतीम खाना मस्जिद के पास, मुसाफिर खाना मस्जिद के पास, यूपी पुलिस कानपुर के चप्पे चप्पे पर संदिग्ध दंगाइयों के पोस्टर चिपका रही है ताकि उनके बारे में पक्की जानकारी जुटाई जा सके। कानपुर में दंगाइयों के पोस्टर्स को कानपुर पुलिस ने रिलीज किया है और 40 दंगाइयों की जो फोटो है वो कानपुर के जो चौराहे हैं उन पर पुलिस के जरिए लगा दिए गए हैं। आप देखिए कि कितने क्लियर ये इमेजेस हैं जो कि SIT जो बनी गई है उसके जरिए बाकायदा निकाला गया है। सभी टेक्निकल टीम से मेहनत करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर के 40 तक की ये फोटोज़ हैं। दंगाइयों के जो चेहरे हैं वो देखिए कितना ज़्यादा स्पष्ट किए गए हैं टेक्निकल लोगों की मेहनत से। किसी ने हाथ में पत्थर ले रखा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई मोबाइल को सुन रहा है और ज्यादातर ने देखिए अपने चेहरे हैं उनको ढक रखा है। कानपुर पुलिस ने बाकायदा इसके लिए जारी किया है फोन नंबर 9454-3740, यानी कि अगर आपको इन
लोगों के बारे में, दंगाइयों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कानपुर पुलिस को इसकी जानकारी दे सकते हैं। कानपुर से अगर आप बाहर रहते हैं तो अपनी लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दे सकते हैं। 3 जून को कानपुर में जो कुछ भी हुआ वो कुछ ही मिनटों के अंदर हो गया। पुलिस वीवीआईपी मूवमेंट को संभालने में लगी थी, इधर मुस्लिम बहुल बेकनगंज पे बवाल हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पुलिस को संभलने का मौका भी नहीं मिला। दंगाई ईंट पत्थर चलाकर बम फोड़कर निकल गए, लेकिन अपने पीछे इलेक्ट्रॉनिक सबूत छोड़ गए। अब उन्हीं सबूतों के आधार पर दंगाइयों का हिसाब हो रहा है। देखिए, मैं जनता से अपील करूंगा कि आपके क्षेत्र में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ करने वाले लोग कभी भी अच्छे नहीं हैं, और आप उनको पहचानें, उनके बारे में हमें बताएं। और बड़ा सकारात्मक संकेत यह है कि पिछले 1 घंटे में 3 लोगों के बारे में लोगों ने हमें सूचना दे भी दी है। हमने फीड तो हमने सारे ही कलेक्ट कर लिए हैं सीसीटीवी के, और फीड कलेक्ट करने के बाद उसको फ़ोटो के रूप में ले आना, हर कैमरे अलग अलग तरीके के हैं और उनके क्वालिटी भी अलग अलग है, डेफिनेटली चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम कर पाए हैं। और भी फोटोग्राफ्स डेवलप हम कर रहे हैं, वो ले आएंगे। जिनको हम पहचान पा रहे हैं उनके फोटोग्राफ्स हम सामने नहीं ला रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि सबकी पहचान हो जाए, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। दंगे के 3 दिनों के अंदर अंदर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर को पूरी तरह संभाल लिया है। योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर लागू है। पुलिस कानपुर के लोगों को आश्वस्त कर रही है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सरकार पर भरोसा रखिए। कानून का उल्लंघन करने की कोशिश ना करें, कानून व्यवस्था को किसी भी तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। जो भी समझदार लोग यहाँ पर हैं, वो अपने साथियों को भी, अपने आसपास वालों को भी अच्छी तरह से इस चीज को समझाएं। हम सब आपके लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, और आप इस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, अपनी दुकानें, अपना व्यवसाय, अपना दैनिक कार्य वो आप करें। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जिस तरीके से दंगा हुआ, उसके बाद से शहर में अमन और चैन पूरी तरीके से कायम है। ये अमन चैन पूरी तरीके से कायम रहे, लगातार लोगों के बीच में सुरक्षा की भावना रहे, इसको लेकर के कानपुर पुलिस स्टेशन में आप देख सकते हैं किस तरीके से घोड़ों के साथ, फोर्स के साथ, और अपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके साथ इस समय फ्लैग मार्च कर रही है, उन सभी रूट पे जिस पे दरअसल सबसे ज़्यादा फ्लैग मार्च की ज़रूरत है। ये पूरा वो इलाका है जहाँ से जो फ्लैग मार्च के रूट्स हैं वो पूरी तरीके से हो रहे हैं, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस समय पूरे फ्लैग मार्च को पूरी तरीके से बढ़ा रहे हैं। और कानपुर के सीपी को आप देख सकते हैं विजय कुमार मीणा को अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ, वो इस समय पूरी तरीके से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सर, लगातार आप लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, आज का फ्लैग मार्च के बाद क्या स्थिति आप देखने को मिल रहा है कानपुर? सामान्य है, ये एक पूरा क्षेत्र सामान्य है, दुकानें खुली हुई हैं, बाजार में सुचारू रूप से है। ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस जनरेटिंग मेजर है जो RAF और PAC और हम लोगों से कर रहे हैं, और बीच बीच में हम लोगों से संवाद भी कर रहे हैं ताकि कोई उनकी और कोई समस्या या अप्रिहेंशन तो उनको भी दूर किया जा सके। दंगाइयों के उपद्रवियों के आपने सर पोस्टर जारी किए हैं, पिक्चर्स उनके लगाए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, लोग उसमें फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस को रिएक्ट कर रहे हैं। जी डेफिनेटली, अभी हमने 40 की लिस्ट जारी करी है, दूसरी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, धीरे धीरे करके उनकी सूची पब्लिक से, मीडिया से प्राप्त करके उनके फोटोग्राफ्स, और वो जारी की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में जिसने दंगा भड़काया वो पकड़ा जा चुका है, जिन्होंने पत्थर चलाए वो पहचान लिए गए हैं। साजिश के राज कितने भी गहरे क्यों ना हो, पर्दे के पीछे चाहे कितने भी राजदार क्यों ना हो, पर्दा उठने लगा है तो कोई बच नहीं पाएगा। बिल्डिंग कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर यहां दंगाई होगा तो बुलडोजर जरूर चलेगा। गुजरात में अपनी जगह बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज मेहसाणा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। केजरीवाल ने यहां अपने दिल की बात बता दी। केजरीवाल ने दावा किया कि आप ही बीजेपी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले सिर्फ आपसे ही डरते हैं। केजरीवाल ने यहां बीजेपी पर खुलेआम हमला बोला।
केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। गुजरात के जिस जिले में बीजेपी का उदय हुआ था, अरविंद केजरीवाल की नजर उसी मेहसाणा पर है। ये वही इलाका है जहां पाटीदारों का दबदबा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल आती हैं। ये जिला गुजरात की राजनीति में सबसे ज्यादा महत्व रखता है और गुजरात की राजनीति का केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, गुजरात बदलाव मांग रहा है। गुजरात बदलाव मांग रहा है। गुजरात तंग आ गया है बीजेपी से। गुजरात तंग आ गया है बीजेपी की बहन कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। ये बीजेपी वाले केवल आम आदमी पार्टी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। आज सलमान खान को धमकी मामले पर मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान का बयान दर्ज किया, उनके पिता सलीम खान का बयान दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि सलमान खान और उनके पिता को धमकी देने वाला वही गैंग है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने सलमान खान को धमकी देने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है। सलमान खान का घर मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे, पता लग जाएगा इनको। साढ़े चार साल पहले धमकी और 5 जून को मुंबई में मिला धमकी भरा पत्र, जिस लेटर पर लिखा है, सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका भी मूसेवाला होगा। धमकी भरे इस पत्र पर किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन नीचे लिखा है GBLB। अब सवाल ये है कि क्या जीबी का मतलब गोल्डी बरार है और क्या एलबी मतलब लॉरेंस बिश्नोई है? पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर रही है और हर एंगल से जांच कर रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि करीब 4.5 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, वो भी पुलिस के जवानों के सामने। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व करा। सलमान खान के पिता सलीम खान को ये धमकी भरी चिट्ठी 5 जून को सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच मिली थी, जब वो जॉगिंग पर गए थे। सलीम खान की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच में जुट गई है। पंजाब में मूसेवाला की हत्या के बाद से ही मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है और अब धमकी भरे पत्र के बाद सुरक्षा को और भी पुख्ता कर दी गई है। जांच के लिए बांद्रा पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और पंजाब पुलिस की टीम सलमान खान के घर पहुंची थी और मामले पर पूरी जानकारी ली। सलमान खान अभी हाल में आईफा में शामिल हुए थे। रविवार को ही सलीम खान को धमकी मिली और रविवार को ही सलमान खान मुंबई लौटे, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। गैलेक्सी के बाहर पुलिस का पहरा है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज में सक्रिय स्वरूप से तहकीकात कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनुचित प्रकार मुंबई सिटी में शक जहां तक है वहां तक नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वासन सबको देना चाहूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।